हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुनिया के मशहूर लेखक ओ हेनरी की बहुत ही मशहूर कहानी अ रिट्रीव्ड रिफॉर्मेशन का हिंदी वर्जन। ये कहानी बहुत ही फेमस है। कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला कहानी का हीरो जिमी वैलेंटाइन, जो एक बड़ा ही नामी तिजोरी तोड़ने वाला चोर है। वो अपने काम में इतना एक्सपर्ट है कि ना तो कभी कोई सुराग छोड़ता है और ना ही पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसरों की पकड़ में आता है। पुलिस के लिए उसे पकड़ना एक डरावने सपने की तरह है। कहानी का दूसरा कैरेक्टर है जिमी की टक्कर का एक जासूस बेन प्राइस, जिसको जिमी वैलेंटाइन को पकड़ने के काम पर लगाया गया है। बेन प्राइस के आने के बाद ये खेल चूहे बिल्ली का खेल बन जाता है। बेन प्राइस जिमी वैलेंटाइन को पकड़ पाता है या नहीं, ये जानने के लिए सुने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानी, जिसका नाम है अ रिट्रीव्ड रिफॉर्मेशन। हिंदी में इसे नाम दिया गया है काया पलट। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जेल के जूता घर में जिमी वैलेंटाइन बड़ी मेहनत से जूतों की ऊपरी परत की सिलाई कर रहा था। तभी एक गार्ड वहां आया और उसे उठाकर वार्डन के ऑफिस में ले गया। वार्डन ने जिमी के हाथों में उसका माफीनामा पकड़ा दिया, जिस पर सुबह ही राज्य के गवर्नर ने साइन किए थे। जिमी ने बड़े ही उदासीन भाव से उसे ले लिया। उसे 4 साल की सजा मिली थी, जिसमें से 10 महीने वो काट चुका था। जब वो यहां आया था तब उसे उम्मीद थी कि वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने वहां रहेगा और उसके बाद छूट जाएगा, लेकिन न जाने क्यों उसे 10 महीने बीत गए थे और अब जाकर उसका माफीनामा स्वीकार हुआ था। उसने न जाने कब से न तो शेव बनाई थी, न तो अपने बालों का या अपने कपड़ों का ही कोई ध्यान रखता था। वो चिट्ठी उसे देकर वार्डन ने उससे कहा, कल सुबह तुम जेल से छूट जाओगे, अब एक अच्छा इंसान बनना, तुम दिल से बुरे नहीं हो, इसलिए तिजोरियां तोड़ने का धंधा बंद करके ईमानदारी का जीवन बिताने की कोशिश करना। उसकी बात सुनकर जिमी ने हैरानी से कहा, लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी कोई तिजोरी नहीं तोड़ी। वार्डन उसकी बात सुनकर हंस पड़ा, बोला, अगर वाकई ऐसा है तो तुम्हें स्प्रिंगफील्ड कांड में सजा क्यों मिली? क्या अदालत ने गलती से तुम्हें सजा दी थी? जिमी बड़ी ही मासूमियत से बोला, मुझे नहीं मालूम वार्डन, मैं तो अपनी जिंदगी में कभी स्प्रिंगफील्ड गया ही नहीं, तो फिर मैं वहां तिजोरी कैसे तोड़ सकता था। वार्डन ने मुस्कुराते हुए गार्ड से कहा, इसे वापस ले जाओ और इसके कैदियों वाले कपड़े उतार कर इसे दूसरे कपड़े पहनने को दे दो, कल सुबह 7 बजे इसे छोड़ देना। फिर वो जिमी से दोबारा बोला, अगर मेरी सलाह पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगले दिन 7 बजे के करीब जिमी वार्डन के ऑफिस में खड़ा था। उसने एक ढीला ढाला भद्दा सा सूट पहन रखा था और पैरों में सख्त चमड़े के बहुत ही टाइट तेज आवाज करने वाले जूते पहने हुए थे। ये सारी चीजें सरकार अपने इन जबरदस्ती के मेहमानों को विदा करते समय देती थी। क्लर्क ने उसे रेल का एक टिकट और $5 दिए, ताकि वो जेल से बाहर जाकर एक भले नागरिक के रूप में अपना जीवन फिर से शुरू कर सके। वार्डन ने उसे एक सिगार भी दिया और उससे हाथ मिलाया। फिर उसने जेल के रजिस्टर में एंट्री की, जिमी वैलेंटाइन नंबर 9762 कैदी को गवर्नर ने माफ कर दिया। इसके बाद जिमी जेल से बाहर आ गया। वो दिन बड़ा ही सुहावना था, चारों तरफ धूप खिली हुई थी, हरे हरे पेड़ हवा से हिल रहे थे, चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे थे, फूलों की खुशबू हवा में चारों तरफ बिखरी थी। लेकिन जिमी का ध्यान इन सब चीजों की तरफ बिल्कुल नहीं था। वो जेल से निकलकर सीधा एक रेस्टोरेंट में गया। वहां जाकर उसने भुने हुए मुर्गे और व्हाइट वाइन का ऑर्डर दिया। आराम से पेट भर के खाने के बाद उसने एक बढ़िया सिगार पिया। ये सिगार उस सिगार से
कहीं ज्यादा कीमती और बढ़िया क्वालिटी का था जो जेल में क्लर्क ने उसे दिया था। सिगार का लुत्फ उठाने के बाद वो धीरे धीरे रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। वहां गेट के पास बैठे हुए एक अंधे आदमी के कटोरे में उसने एक सिक्का उछाला और फिर ट्रेन में चढ़ गया। 3 घंटा सफर करने के बाद वो एक छोटे से कस्बे में पहुंच गया। वहां वो एक कैफे में गया जिसके मालिक का नाम था माइक डॉलन। अंदर जाकर उसने माइक से हाथ मिलाया। माइक उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, जिमी मेरे बच्चे, मुझे बहुत अफसोस है कि हम तुम्हें जल्दी नहीं छुड़ा पाए। हमने बहुत कोशिश की तुम्हें छुड़ाने की, लेकिन गवर्नर मान ही नहीं रहा था। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब तो तुम बाहर आ ही गए हो। अब ये बताओ, तुम कैसे हो? जिमी बोला, बिल्कुल ठीक हूं, लाओ मेरी चाबियां। अपनी चाबियां लेकर वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। वहां उसका कमरा था। उसने ताला खोला और अंदर चला गया। कमरे में सारी चीजें वैसे ही पड़ी थी जैसी वो छोड़ के गया था। फर्श पे अभी तक बेन प्राइस की कमीज के कॉलर का बटन गिरा पड़ा था। बेन प्राइस एक बहुत ही मशहूर जासूस था। वो जिमी को पकड़ने के लिए आया था। जब जिमी और बेन आपस में हाथापाई कर रहे थे, तब उसके कॉलर का एक बटन टूटकर वहां जमीन पर गिर गया था। जिमी दीवार के पास पहुंचा और उसने अपना पलंग वहां से खिसका दिया। उसके पीछे दीवार के अंदर एक गुप्त अलमारी बनी थी। उसमें से उसने अपना सूटकेस निकाला। उसके ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने सूटकेस को खोलकर मेज पर रख दिया। उसके अंदर उसके चोरी करने के सारे औजारों का सेट था। ये एक बहुत ही बेहतरीन सेट था। इसे एक विशेष प्रकार के लोहे से बनाया गया था। छेद करने वाली दूसरी मशीनें, क्लैंप और बहुत से नई किस्म के औजार थे। इनमें से कुछ के डिजाइन तो जिमी ने ही बनाए थे और उसे इस बात पर बड़ा गर्व भी था। इन सब को बनवाने में जिमी के $900 खर्च हुए थे। ये औजार उसने एक ऐसी जगह बनवाए थे जहां पर सेंधमारों के लिए खास औजार बनाए जाते थे। आधे घंटे में तैयार होकर, बढ़िया कपड़े पहनकर और एक चमचमाता हुआ सूटकेस हाथ में लेकर जिमी वापस नीचे कैफे में आया। माइक डॉलन ने बड़ी ही दोस्ताना आवाज में उससे पूछा, आते ही शिकार की तलाश में निकल पड़े? जिमी ने बड़े ही भोलेपन से कहा, जैसे उसकी बात समझ ना रहा हो। कौन? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो न्यूयॉर्क एमलगमेटेड शॉर्ट स्नैप बिस्किट क्रैकर एंड फ्रेजल्ड व्हीट कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं। मैं आपकी बात समझा नहीं। ये बात सुनकर माइक इतना खुश हुआ कि जिमी को उसने एक फ्री सोडा वाटर ऑफर किया। जिमी वैलेंटाइन 9762 के जेल से छूटने के सिर्फ एक हफ्ते बाद इंडियाना स्टेट की रिचमंड नामक जगह पर सेफ टूटने की एक घटना घटी। सब कुछ इतनी सफाई से किया गया था कि अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी प्रूफ वहां नहीं था, लेकिन इसमें कुल $800 ही चोरों के हाथ लगे। इसके 2 हफ्ते बाद लोगान स्पोर्ट में एक बहुत ही मजबूत तिजोरी बड़ी सफाई से तोड़ दी गई। उस तिजोरी में $1500 चांदी और काफी कीमती डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। अब पुलिस हरकत में आ गई। इस वारदात में सिर्फ $1500 नगद की चोरी हुई। सिक्योरिटी बॉन्ड और चांदी को छुआ तक नहीं गया। इस दूसरी घटना से अब पुलिस के कान खड़े हो गए। उसके तुरंत बाद जेफरसन सिटी में पुरानी किस्म की एक बैंक सेफ को तोड़ा गया। वहां से $5000 गायब हुए। अब नुकसान बहुत ज्यादा होने लगा था। बात काफी बढ़ गई थी और पुलिस के हाथ से मामला निकलता जा रहा था। इसलिए ये फैसला किया गया कि ये केस बेन प्राइस नामक जासूस को सौंप दिया जाए। वो एक बड़ा ही कुशल जासूस था। केस हाथ में आते ही उसने अपने ढंग से तहकीकात करनी शुरू कर दी। उसने देखा कि चोरी का ढंग हर जगह एक जैसा ही था। जहां भी चोरियां हुई थी, बेन प्राइस ने उन सभी जगहों का दौरा किया और तहकीकात की। सारे मामलों की जांच करने पर उसे पता चला कि सारी तिजोरियां एक ही तरीके से तोड़ी गई हैं। उसने इन घटनाओं की जांच करने के बाद कहा, ये जिमी वैलेंटाइन का ही काम है। उसने जेल से छूटने के बाद अपना धंधा फिर से शुरू कर दिया है। वो तिजोरी के हत्थे को ऐसे निकाल लेता है जैसे गीली मिट्टी में से जमीन से मूली उखाड़ ली जाती है। तिजोरियां तोड़ने में जिन औजारों का इस्तेमाल किया गया है, वैसे औजार सिर्फ जिमी के पास ही हैं। तालों को इतनी सफाई से काटकर गिरा दिया गया है,
उसे सिर्फ एक छेद करने की जरूरत पड़ती है और उसका सारा काम हो जाता है। अब वैलेंटाइन को पकड़ना ही होगा। इस बार ना उसे माफी मिलेगी और ना ही कोई छूट। जब बेन प्राइस स्प्रिंगफील्ड वाले मामले की जांच कर रहा था तो उसे जिमी की कई आदतों के बारे में पता चला था। तिजोरी तोड़ने के बाद जल्दी ही उस जगह से दूर चले जाना, किसी को अपने धंधे में शामिल न करना, सभ्य समाज में रहने का अभ्यास, ये ऐसी कई बातें जिमी में थी जिनकी वजह से वो बड़ी ही आसानी से पुलिस को धोखा देके निकल जाता था। जब लोगों को पता चला कि बेन प्राइस तिजोरी तोड़ने वाले चोर की तलाश कर रहा है तो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। उन्हें यकीन हो गया कि अब तो चोर जरूर पकड़ा जाएगा। एक दिन दोपहर को जिमी वैलेंटाइन अपने सूटकेस के साथ अरकैनसास राज्य के एल्मोर नामक छोटे कस्बे में घोड़ागाड़ी से नीचे उतरा। एल्मोर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर था। अपने कपड़ों और चाल ढाल से जिमी कॉलेज के स्टूडेंट जैसा लग रहा था। धीरे धीरे पटरी से चलता हुआ वो होटल की तरफ चल दिया। तभी गली में उसे एक युवती दिखाई दी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके पास से वो गुजरी और दी एल्मोर बैंक में जाने लगी। जिमी एक टक उसकी तरफ देख रहा था। वो भूल गया कि वो कहाँ खड़ा है। उसे अपने आप में एक परिवर्तन होता महसूस हुआ। जिमी को ऐसे अपनी तरफ घूरते देख वो युवती शर्मा गई। जिमी जैसा खूबसूरत नौजवान एल्मोर कस्बे में कोई और मिलना मुश्किल था। कुछ पल उसे देखते रहने के बाद युवती बैंक के भीतर चली गई। जिमी तेजी से एक लड़के की तरफ बढ़ा जो उस बैंक की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसने उस लड़के से बातचीत करनी शुरू कर दी। उसने उससे उस कस्बे, वहां के लोगों और वहां के रहन सहन के बारे में बहुत से सवाल पूछे। वो लड़का उसे ये सब बता ही रहा था कि वो युवती बैंक से बाहर निकल आई। उसने जिमी की तरफ देखा तक नहीं और वहां से चली गई। जिमी ने युवती की तरफ इशारा करते हुए लड़के से पूछा, अरे वो पॉली सिम्पसन है ना? लड़के ने कहा, नहीं नहीं, ये तो एनाबेल एडम्स है। इसके पिता इस बैंक के मालिक हैं। फिर उसने जिमी से पूछा, आप एल्मोर किस लिए आए हैं? जिमी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहां से वो प्लांटर्स होटल चला गया। वहां उसने रॉल्फ डी स्पेंसर के नाम से अपना कमरा बुक कराया। होटल के क्लर्क को उसने कहा कि वो एल्मोर में व्यापार करने के लिए आया है और जूतों का काम करना चाहता है। फिर जिमी क्लर्क से जूतों के धंधे के बारे में पूछताछ करने लगा। जिमी के कपड़ों और बात करने के स्टाइल से क्लर्क बड़ा ही इम्प्रेस हो गया। उसने बहुत ही विनम्र शब्दों में जिमी की सारी बातों का जवाब दिया। उसने उसे बताया कि कस्बे में जूतों का काम चलने के लिए बहुत अच्छी गुंजाइश है, क्योंकि पूरे कस्बे में अच्छे जूतों की कोई दुकान ही नहीं है। और चीजें बेचने वाले दुकानदार ही थोड़े बहुत जूते बेच लेते हैं। कस्बे में सभी तरह के धंधे अच्छे चलते हैं। उसने ये भी बताया कि वहां के लोग बहुत भले हैं और उसकी जो भी मदद हो सकेगी वो जरूर करेंगे। जिमी ने कुछ दिन उस कस्बे में ही रहने का निश्चय कर लिया। वास्तव में एनाबेल एडम्स को देखने के बाद जिमी को उससे प्रेम हो गया था। उस युवती के प्रति प्रेम ने जिमी के अंदर अचानक एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। अब उसका मन करता था कि वो चोरी डकैती का धंधा छोड़कर मेहनत की कमाई करे और एक सादा, सरल और सुंदर जीवन बिताए। उसने धीरे धीरे कस्बे में जूतों की एक दुकान खोल ली। कुछ ही दिनों में क्लर्क के कहे अनुसार उसकी दुकान खूब चल निकली। उसका व्यवहार इतना मीठा और इतना दोस्ताना होता था कि जल्दी ही उसने कस्बे के सारे लोगों का दिल जीत लिया। वहां बहुत से लोग उसके मित्र बन गए। यूं ही करते करते वो एनाबेल एडम्स से भी मिला और कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों के बीच प्यार और गहरा होता चला गया। एक साल के अंदर ही जिमी और रॉल्फ डी स्पेंसर ने उस कस्बे में रहते हुए धन और इज्जत दोनों ही खूब कमा लिए। कस्बे के सारे लोग उसकी बहुत इज्जत भी करने लगे थे। एनाबेल एडम्स से उसकी सगाई भी हो गई। वो इतना धनी और खूबसूरत था कि एनाबेल के पिता एडम्स ने पल भर में ही उसे अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया। एनाबेल के घर में अब उसका खूब आना जाना होता था। एक दिन जिमी ने अपने एक पुराने दोस्त को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा, प्रिय पॉल, मैं चाहता हूं कि तुम अगले बुधवार की रात को 9 बजे
लिटिल रॉक में सलीवन के यहां पहुंच जाओ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं और अपने औजारों का सेट तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूं। मुझे पता है तुम उन औजारों को पाकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि वैसे औजार तुम $1,000 खर्च करके भी नहीं पा सकते। ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने अब अपना पुराना धंधा छोड़ दिया है। मैंने एक अच्छी सी दुकान खोल ली है और अब मैं एक ईमानदार आदमी की जिंदगी बिता रहा हूँ। 2 हफ्ते बाद दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से मेरी शादी होने वाली है। इसके बाद मैं एक सीधा साधा सरल जीवन बिताऊंगा। दूसरों के धन को अब मैं छूता भी नहीं हूँ। शादी के बाद मैं देश के पश्चिमी भाग की तरफ चला जाऊंगा। वहां मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। मेरे पुराने धंधे की वजह से कोई मुझे वहां पकड़ नहीं सकेगा। अब मैं किसी भी कीमत पर चोरी डकैती का ये धंधा कभी नहीं करूंगा। तुम अगले बुधवार को सलीवन के यहां जरूर पहुंच जाना। मैं उस दिन अपने सारे औजार तुम्हें देने के लिए अपने साथ ही लेकर आऊंगा। तुम्हारा पुराना मित्र जिमी। जिमी ने यह पत्र लिखा सोमवार की रात को। उसी रात जब सब लोग सोए हुए थे, एक बग्घी कस्बे में आकर रुकी और बग्घी से नीचे उतरा बेन प्राइस। वो जिमी का पीछा करते करते एलमोर पहुंचा था। वो बहुत ही सावधानी से बिना किसी को कुछ बताए तब तक अपना काम करता रहा जब तक उसे वो सारी बातें पता नहीं चल गईं जिन्हें जानने के लिए वो यहां आया था। जिमी कब से वहां रह रहा है, क्या काम करता है और कैसे जिंदगी बिता रहा है, उसे सब पता चल गया। जिमी की जूतों की दुकान के सामने एक दवाई की दुकान थी। उस दवाई की दुकान से बेन प्राइस लगातार जिमी की दुकान पर कड़ी नजर रखने लगा। जिमी बैंक के मालिक की बेटी से विवाह कर रहा है, देखता हूं मैं भी, बेन प्राइस मन ही मन सोच रहा था। अगले दिन सुबह जिमी ने एडम्स परिवार के साथ नाश्ता किया। उस दिन उसे अपने विवाह के लिए कपड़ों का ऑर्डर देने और एनाबेल के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदने के लिए लिटिल रॉक जाना था। जब से वो एलमोर में आया था तब से अब तक एक बार भी उस कस्बे से बाहर नहीं गया था। अपनी पुरानी जिंदगी को तो वो जैसे भूल ही चुका था। नाश्ते के बाद एनाबेल, उसके पिता, उसकी एक बहन और बहन के 2 बच्चे सब जिमी के साथ उसके होटल में गए। जिमी दौड़कर अपने कमरे में गया और अपना सूटकेस उठा लाया। फिर वो सब बैंक गए। वहां जिमी के लिए बग्घी तैयार खड़ी थी। बग्घी का ड्राइवर भी पास ही खड़ा था। वे सब लोग बैंक में गए जहां सब लोगों ने जिमी का बड़े ही खुले दिल से स्वागत किया। बैंक के सारे कर्मचारी जिमी को देखकर और उससे मिलकर बहुत खुश थे। जिमी जैसा खूबसूरत और अमीर नौजवान एनाबेल से विवाह कर रहा था, इससे अधिक खुशी की बात उनके लिए और क्या हो सकती थी। जिमी ने अपना सूटकेस नीचे जमीन पर रख दिया। एनाबेल तो जैसे खुशियों के झूले में झूल रही थी। उसने शरारत से जिमी की टोपी उतार ली और खुद पहन ली। फिर उसने जिमी का सूटकेस उठा लिया। सूटकेस काफी भारी था। वो हंसते हुए बोली, रॉल्फ, तुम्हारा सूटकेस बहुत भारी है। लगता है इसके अंदर तुमने सोने की ईंटें भर रखी हैं। जिमी ने शांत भाव से कहा, इसमें जूते पहनने में मदद देने वाले मेटल के शू हॉर्न हैं। मैं इन्हें वापस करने जा रहा हूं। उन्हीं दिनों द एलमोर बैंक ने एक नई और बहुत ही शानदार तिजोरी खरीदी थी। बैंक के मालिक एनाबेल के पिता एडम्स उस तिजोरी को देखकर बड़ा ही गर्व महसूस कर रहे थे। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति उस तिजोरी को देखे। तिजोरी साइज में बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका जो दरवाजा था वो बड़ा ही स्पेशल था और उसके अंदर टाइम लॉक भी लगा हुआ था। एडम्स बड़े ही गर्व के साथ अपने होने वाले दामाद को उस तिजोरी के बारे में बताने लगे। ये सब सुनकर जिमी को कोई हैरानी नहीं हो रही थी। उसने इससे भी बेहतरीन तिजोरियों पर अपना हाथ साफ किया था। उसके लिए ये तिजोरी भला क्या चीज थी, लेकिन फिर भी वो काफी उत्सुकता दिखाते हुए एडम्स की बातें सुन रहा था। एनाबेल की बहन के 2 बच्चे मे और अगाथा भी वहां मौजूद थे। वो दोनों भी तिजोरी के ताले और उसके चमकदार हैंडल्स को देखकर काफी खुश दिख रहे थे।
सब लोग इसी तरह आपस में हल्की फुल्की बातचीत कर रहे थे। तभी बेन प्राइस वहां आया और चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। उसने क्लर्क को कहा था कि वो वहां किसी का इंतजार कर रहा है, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अचानक वहां दो महिलाओं के चीखने की आवाज एक साथ गूंजी। एनाबेल की बहन की 9 साल की बच्ची मे ने खेलते खेलते अगाथा को उस नई तिजोरी में बंद कर दिया था। दरअसल हुआ ये, सब बड़े लोग तो बातें कर रहे थे और दोनों बच्चियां मे और अगाथा खेल में लगी थी। 9 साल की मे ने खेल खेल में अगाथा को उस तिजोरी के अंदर भेजकर तिजोरी के हैंडल को उसी तरह घुमा दिया जैसे कुछ देर पहले उसने अपने नाना एडम्स को करते देखा था। अब अगाथा उसके अंदर बंद हो गई। एडम्स तेजी से तिजोरी के पास गए और जोर से उसके हैंडल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी नहीं खुली। वो बहुत ही दुखी आवाज में बोले, अब ये तिजोरी नहीं खुलेगी, इस बच्ची ने गलत तरीके से तिजोरी के ताले को छेड़ दिया है। अगाथा की माँ ये सुनकर जोर से चिल्लाई। एडम्स बोले, सब चुप हो जाओ, मैं अगाथा से बात करता हूँ, शायद वो अंदर से कोई हैंडल वगैरह हिलाकर तिजोरी खोल पाए। सब चुप हो गए। एडम्स जोर से चिल्लाए और बोले, अगाथा क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? लेकिन अगाथा इतनी डरी हुई थी कि उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो केवल जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोती रही। उसके रोने की आवाज सुनकर सब लोगों के दिल डर से दहल रहे थे। मेरी बच्ची, अगाथा की माँ रोते हुए बोली, वो डर के मारे मर जाएगी, दरवाजा खोल दो या दरवाजे को तोड़ दो, क्या तुम लोग कुछ नहीं कर सकते? इस तिजोरी को खोलना इस कस्बे में किसी के बस की बात नहीं, इसके लिए तो लिटिल रॉक से ही कोई आदमी बुलाना पड़ेगा। यहाँ के लोगों में से कोई अब इस तिजोरी को नहीं खोल सकता, एडम्स बोला। फिर वो जिमी की तरफ मुड़कर बोला, स्पेंसर अब तुम ही बताओ क्या किया जाए, वो बच्ची तिजोरी के भीतर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगी, तिजोरी में सांस लेने लायक हवा भी नहीं है, वो डर के मारे भीतर ही अकड़ जाएगी। अगाथा की माँ तिजोरी के दरवाजे को दोनों हाथों से पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। घबराहट के उस माहौल में किसी ने सुझाव दिया कि तिजोरी के दरवाजे को डायनामाइट लगाकर तोड़ देना चाहिए। तभी एनाबेल जिमी की तरफ मुड़कर बोली, रॉल्फ क्या तुम कुछ कर सकते हो ताकि उस बच्ची की जिंदगी बचाई जा सके? जिमी के दिमाग में विचारों की आंधी चल रही थी। वो बहुत ही बेचैन था, उसके लिए ये तिजोरी खोलना बाएं हाथ का खेल था, लेकिन तिजोरी खोलते ही उसका सारा भेद खुल जाता और 1 साल की उसकी सारी मेहनत और सारे सपने मिट्टी में मिल जाते। वो बहुत ही दुविधा में था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। कुछ देर चुपचाप खड़े रहने के बाद अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता आ गई। उसने बड़े ही शांत स्वर में एनाबेल से कहा, एना क्या तुम मुझे वो गुलाब का फूल दोगी जो तुमने अपनी ड्रेस पर लगा रखा है? एनाबेल उसकी ये अजीब सी फरमाइश सुनकर हैरान हो गई, लेकिन फिर भी उसने चुपचाप गुलाब का फूल उतारकर जिमी को दे दिया। जिमी ने उस फूल को हाथ में लेकर चूमा और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने अपना कोट उतारकर एक तरफ रख दिया और कमीज की बाहें ऊपर चढ़ाई। अब वो अपने पुराने रूप में वापस आ चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, सब लोग तिजोरी के दरवाजे के पास से दूर हट जाएं। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि जिमी क्या करने वाला है, लेकिन फिर भी सब पीछे हट गए। जिमी ने अपना सूटकेस मेज पर रखा और उसे खोल दिया। उसमें से औजारों का अपना सेट हाथ में उठाते ही वो जैसे सब कुछ भूल गया। अपने आसपास के माहौल और हर चीज के बारे में जैसे उसे कोई होश नहीं रहा। अब वो सिर्फ और सिर्फ जिमी वैलेंटाइन था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां और लोगों के उपस्थित होने की बात वो बिल्कुल भूल गया हो। उसने अपने औजार निकाले और उन औजारों की मदद से तिजोरी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। काम करते करते वो मुंह से सीटी भी बजा रहा था, जैसा कि हमेशा करता था। वहां इकट्ठे सभी लोग हैरान होकर जिमी की हरकतों को देख रहे थे। उसने एक छेद करने वाली मशीन उठाई और 1 मिनट से भी कम समय में तिजोरी के दरवाजे में छेद कर दिया।
फिर 10 मिनट से पहले ही जिमी ने तिजोरी का दरवाजा खोल दिया। सब लोग खुशी से चिल्ला उठे। अगाथा तिजोरी में सही सलामत थी। तब तक वो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। आंखों से बहते खुशी के आंसुओं के साथ उसकी मां ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। फिर जिमी ने अपना कोट पहना, अपना सूटकेस बंद किया और उसे हाथ में उठाकर मेन गेट की तरफ चल दिया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी परिचित लड़की की आवाज ने उसका नाम पुकारा हो, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अभी बैंक के मेन गेट तक पहुंचा ही था कि उसने देखा एक लंबा चौड़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा है। ये बेन प्राइस था। जिमी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। हेलो बेन, आखिर तुमने मुझे पकड़ ही लिया। चलो हम यहां से चलें। लेकिन ये क्या? बेन प्राइस ने जो जवाब दिया उसकी जिमी को उम्मीद नहीं थी। उसने बड़ी ही अजीब आवाज में कहा, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है मिस्टर स्पेंसर, मैं तो आपको पहचानता भी नहीं। बाहर आपकी बग्घी आपका इंतजार कर रही है। इतना कहकर बेन प्राइस वापस मुड़ा और जेबों में हाथ डालकर सीटी बजाते हुए गली की तरफ वापस चला गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही एक और बेहतरीन और लाजवाब कहानी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, सायोनारा।